अपराधों की बढ़ती हुई संख्या, समायोजन समस्या, बाल अपराधियों और बाल अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी, मादक द्रव्यों का सेवन, नशाखोरी, अवसाद, आक्रामकता, अनुशासनहीनता, सोशल मीडिया के प्रति अत्यधिक आकर्षण, अकेलापन, संवेदनात्मक स्थिरता, चिड़चिड़ाहट, मानसिक स्वास्थ्य का ठीक न होना जैसी अनेक समस्याएं हैं जो निरंतर हमारे समाज में विकराल रूप धारण करती जा रही है। वास्तव में ये बहुत अधिक चिंता का विषय है जिस पर इस वेबिनार में आमंत्रित मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्यवर्धन तिवारी, डॉक्टर भूषण दीवान और डॉक्टर लक्ष्मी भी अपने सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इन सारगर्भित व्याख्यानों से आप सभी लाभान्वित होंगे और दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे। जैसा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि यह विषय एक बहुत ही गंभीर विषय है। लगभग देश का हर परिवार इस विषय से किसी न किसी रूप से प्रभावित हो रहा है और हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्तित्व विकार देखा जा रहा है और यह व्यक्तित्व विकार मिलकर हमारे समाज को बीमार बना रहे हैं। इस बीमार देश की बीमार संतानें निश्चित तौर पर इस देश का भविष्य की बुरा ही तय करेगी। तो आज हम इस विषय की गंभीरता को समझें, ध्यान पूर्वक इस विषय को आत्मसात करें और जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार परिवार के सदस्य के रूप में, जिम्मेदार रचनात्मक कड़ी के रूप में हम अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार को एक ऐसा स्वरूप प्रदान करें कि जिससे सिर्फ रचनात्मकता, धनात्मकता और खुशियाली हासिल हो। इसके साथ ही मैं इस वेबिनार में आमंत्रित सभी लोगों से यह भी अपेक्षा करती हूँ, यद्यपि कुछ विलंब से हमारा यह वेबिनार देर से शुरू हुआ है, कृपया उन कारणों को समझते हुए अंत तक जुड़े रहे। ऐसे वक्ता भाग्य से सुनने को मिलते हैं, उनको सुने, समझें और बोले। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती नीलम रिसारिया मैडम से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे अपने वक्तव्य के द्वारा हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। डॉक्टर नीलम रिसारिया मैम, आज मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा स्पॉन्सर वेबिनार वर्तमान परिदृश्य में व्यक्तित्व विकास की भूमिका। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं अपने तीनों अतिथि वक्ताओं डॉक्टर सत्यवर्धन तिवारी जी, डॉक्टर भूषण दीवान जी एवं डॉक्टर लक्ष्मी देवी जी, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस वेबिनार में व्याख्यान हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। मैं व्यक्तिगत अपनी ओर से तथा महाविद्यालय परिवार की ओर से आप तीनों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं महाविद्यालय की IKSE टीम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुचिता तिवारी, सदस्य डॉक्टर राजनिधि सिंह और डॉक्टर आभा खरे का भी शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इस सेमिनार का आयोजन किया है।
इसी के साथ साथ हमारे महाविद्यालय परिवार के प्राध्यापक गण, छात्राएं तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जहाँ तक व्यक्तित्व विकास की बात आती है, तो व्यक्तित्व विकास किसी का भी एक दिन में, एक महीने में या एक वर्ष में नहीं किया जा सकता है या हो नहीं सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, या अपन व्यक्तित्व को इस तरफ से ही मान सकते हैं कि जिस तरह से जब मकान बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो उसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि उसकी नींव कितने अच्छे से खोदी गई है और उसकी कॉन्क्रीटिंग कितने अच्छे से की गई है। इसी तरह से यदि हमें एक सच्चे नागरिक को गढ़ना है, एक राष्ट्रीय चरित्र को गढ़ना है, तो निश्चित तौर पर प्रारंभ से ही युवाओं के, और मैं तो कहूंगी बच्चे के दिमाग में, उसके विचारों में उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। जब प्रारंभ से ही कुछ आवश्यक गुण जिसमें से महत्वपूर्ण है आत्मानुशासन, सकारात्मक सोच और उन सबसे भी महत्वपूर्ण समय प्रबंधन, जब किसी भी बच्चे को प्रारंभ से इन तीनों चीजों पर अमल करते हुए आगे बढ़ने की शिक्षा दी जाएगी, तो ये तीनों गुण बच्चे के व्यक्तित्व में नींव का काम करेंगे। और फिर जब वास्तविक रूप से यह गुण बच्चे के अंदर अंतर्निहित रहेंगे, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, अपनी शिक्षा दीक्षा में आगे का निर्वहन करना होगा, अर्थार्जन करना होगा, परिवार के सदस्य के रूप में बिहेव करना होगा, और जो भी एक व्यक्ति की जिम्मेदारियां होती हैं का निर्वहन करना होगा, तो वह डर प्रतिडर अपने बेसिक गुणों के कारण समस्त प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो भी आयाम हैं, अपने आप गढ़ते चले जाएंगे और इस तरह से एक राष्ट्रीय चरित्र का या संस्कारवान नागरिक का निर्माण होगा। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, उसका भी मूल उद्देश्य है कि बच्चों का बाह्य आयामी व्यक्तित्व का निर्माण हो, दायित्वों का बोध हो, और इन सभी के लिए यदि हम नवीन शिक्षा नीति के मूल गुणों पर जाएं, मूल बिंदुओं को पढ़ते हैं, तो ये समझ में आता है कि चरित्र निर्माण का या व्यक्तित्व निर्माण का आधार जो है प्रारंभ से होता है, और इसको धीरे धीरे विचारों में ही स्थान देने पर सही दिशा में हमारा बच्चा या युवा आगे बढ़ता है। क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है, अपनी जो उनकी प्रॉपर रूल्स है, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो संस्कार हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। उन्हें पाश्चात्य प्रभाव बहुत अधिक है, पर दुख की बात यह है कि पाश्चात्य प्रभाव में जो वहां की नकारात्मकता है, वो तो हमारे बच्चे अज्ञानतावश एडॉप्ट कर लेते हैं और अच्छाइयों को छोड़ देते हैं। तो व्यक्तित्व निर्माण में
थैंक यू। बहुत अच्छा बिंदु है कि ये ज्ञान होना चाहिए स्वविवेक से कि उसे क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है। सिर्फ हमारे युवा को, हमारे बच्चों को इस बात का भान हो जाएगा कि वो सही क्या है और गलत क्या है, तब उनको किसी भी समझाइश की आवश्यकता नहीं होगी। और इस प्रकार से जब बच्चे प्रत्येक सोपान में आगे बढ़ेंगे तो अपने आप उनमें डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। विगत कई वर्षों से आप बिजनेस, लाइफस्टाइल और कैरियर कंसल्टेंट के रूप में अपना कार्य संपादित कर रहे हैं और उच्च लेवल के एग्जीक्यूटिव्स और प्रोफेशनल्स के लिए आप मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स के बीच में, साथ ही अन्य प्रोफेशनल्स के बीच में अपने उत्प्रेरक भाषणों के लिए प्रसिद्ध हैं। आप लोगों में मोटिवेशन के माध्यम से उनको लक्ष्य प्राप्त करने में हमेशा से सहायक रहे हैं। आपने महिलाओं के साथ भी अनेक कार्यक्रम संपादित किए हैं और वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है और वे किस तरह से अपने व्यक्तित्व में विकास कर सकती हैं और इस प्रतियोगी वर्ल्ड में किस तरह अपने आप को स्थापित करने में सक्षम बन सकती हैं, इस दिशा में उनके अनेक कार्य हैं। मैं डॉक्टर सत्यवर्धन तिवारी जी से सविनय आग्रह करती हूँ कि वे अपने वक्तव्य का प्रारंभ कर देगा। कष्ट करें आदरणीय श्री सत्यवर्धन तिवारी। नमस्कार। सर्वप्रथम मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैडम थम्स अप दिखाइए। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। सर्वप्रथम आदरणीय प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर नीलम रचारिया मैडम को नमस्कार। राजनिधि मैडम, आभा खरे मैडम, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुचिता मैडम, अन्य गेस्ट स्पीकर्स, फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही जो आपने कदम उठाया है चरित्र और व्यक्तित्व विकास के ऊपर एक सेशन बनाया जिसके लिए आपके साथ है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, सभी को मेरा साधुवाद है। सेशन शुरू करने के पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आदरणीय प्रिंसिपल मैडम ने इतना अच्छे से पॉइंट वाइज चीज़ों को रखा है, इशूज़ क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं और बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से उन्होंने उसका सोल्यूशन क्या बता दिया। अगर उन चीज़ों को ध्यान से सुने तो पूरा का पूरा जो सेशन है वो सेशन का उन्होंने जिस्ट शुरू में बता दिया है। तो मैडम की बात को ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। निवेदन मेरा एक ये रहेगा कि जितने पॉसिबल है कैमरा ऑन कर सकना कैमरा ऑन कर ले ताकि 1:1 जब कॉन्टेक्ट होता है तो सेशन अच्छा होता है, थोड़ा सा ऑफलाइन का भी फील आता है। तो जो ऑन करना चाहे प्लीज़ ऑन कर लें, सेशन शुरू करेंगे। आज का सेशन, जैसा कि मेरी सुचिता मैडम से बातचीत हुई थी, हमारी बच्चियों के लिए सेशन है, हमारी छोटी बहनों के लिए सेशन है, महिला कॉलेज है, इसके अंदर किस तरीके से चीज़ों को मोटिवेट वर्कआउट करना है, मोटिवेट करना है, चरित्र और व्यक्तित्व को डेवलप कैसे करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए पूरा वर्कशॉप चलता है, पर इसको हम एक घंटे में समेटने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ चरित्र क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर्सनैलिटी क्या होता है, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरतें क्या है, ये लाइफ में किस तरीके से आपको आगे बढ़ाते हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। कैसे चरित्र निर्माण होता है, कैसे व्यक्तित्व निर्माण होता है, ये तो हम बात करेंगे ही, पर इसके पहले इसकी ज़रूरत क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं।
मैं मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो मैं जो छोटे उद्योगपति हैं उनके साथ मेरे सेशंस चलते हैं, कॉलेज में प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के साथ सेशन चलते हैं। मैंने जलगांव में एक एक्सक्लूसिव सेशन लिया था अपनी बहनों के लिए, वहाँ पर उनको स्टार्टअप मैंने शुरू करवाया था। करीब 75 बहनों ने उस प्रोग्राम को अटेंड किया था और ये 4 साल पुरानी बात है, कोरोना काल के बाद भी 45 बहनों का आज के डेट में स्टार्टअप बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है। तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोरोना काल में सब कुछ खत्म हुआ फिर भी हमारी 45 बहनों का सेशन जो का स्टार्टअप पे चल रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरी बहनों में, मेरी माताओं में, मेरी बच्चियों में दम तो है, ठीक है। और वही मेरे सामने बैठी हुई है स्टूडेंट के रूप में, इनमें दम है, इनके अंदर एनर्जी है, तो उसको अगर सही तरीके से एक स्पार्क दे दिया जाए, उनको सही तरीके से डायरेक्शन दे दिया जाए, तो मुझे लगता है स्टार्टअप्स की बात करें, चाहे जॉब्स की बात करें, चाहे ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट की बात करें, तो पुरुषों से एक कदम आगे ही हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बच्चियां निकलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि मैंने ये चीजें देखी। तो जो सेशन है, जो हम इस बात कर रहे हैं, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर जो चरित्र है उसका निर्माण कैसे होता है, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, ये सभी चीजें शुरू होती है माइंडसेट से। अब ये माइंडसेट एक नया वर्ड आ गया, माइंडसेट क्या है, सोचने का नजरिया। एक बच्ची, अब बात करते हैं, एक बच्ची जो कि छोटी सी थी 5 साल की उम्र में, उसने सपने देखे, उसने जब सपने देखे उस सपने में वो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो लॉयर बनना चाहती थी, वो पुलिस वाली बनना चाहती थी, वो इंजीनियर बनना चाहती थी, वो पायलट बनना चाहती थी, वो आर्मी में जाना चाहती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। वो 5 साल के बाद वो बच्ची 10 साल की होती, 10 साल की होती है तो उसको थोड़ा सा अवेयरनेस और होता है, उसको घर वाले कुछ और बताते हैं, दुनिया उसको अलग किस्म से दिखने लगती है, थोड़ा सा उसने समझना शुरू किया होता है। तो इतने सारे ऑप्शंस को वो समेट के छोटा कर लिया, वो बच्ची बेचारी सोचती है अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये पुलिस वाला काम मेरे बस का नहीं, ये आर्मी वाला काम मेरे बस का नहीं, ये हाई एंड काम मेरे बस का नहीं। बच्ची थोड़ी और बड़ी होती है, 5 साल आगे चलती, 15 साल हो जाती, वो दुनिया को और अच्छे से देखती है, लोगों का नजरिया देखती है, महिलाओं के प्रति भेदभाव देखती है, उसका मन थोड़ा सा और खराब होता है, वो और सीमित होती जाती है। फिर वो बच्ची 20 साल की, 20 साल की उम्र में वो अपने आप को दबा चुकी होती है, अपने सपनों को दबा चुकी होती है, अपनी इच्छाओं को दबा चुकी होती है और अपने करियर में कंप्रोमाइज करने लगती है। ये एक एवरेज कहानी बता रहा हूं मैं, एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस हैं, पर मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये समाज के डोमिनेंस में, मेल डोमिनेंस के कारण बेचारी क्या होती है, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को अपने दिमाग में कहीं कोने पर दबा के रखती है, ठीक, क्योंकि मेल डोमिनेंट वर्ल्ड है। तो यहाँ पर जब करियर की बात होती है तो घर में अगर एक बच्चा एक बच्ची है तो उसी तीसरी बात है, थोड़ा सा बायसनेस एवरेज घर में होता है, सबके घर में होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर एवरेज घर में बायसनेस होता है, बच्ची वहाँ पर भी कंप्रोमाइज करती है, ठीक। कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो बच्ची को बैठ बता बेटा तेरे करियर के लिए ये सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, इस तरीके से तू मूव कर सकती है। कोई ऐसा काउंसलर नहीं है जो उस बच्ची को बताए बता तू क्या करना चाहती बेटा लाइफ में, करना क्या चाहती, तेरा ऑब्जेक्टिव क्या। तो बहुत से लोग जो अपनी बड़ी बहन को, अपनी मौसी को, अपनी चाची को, अपनी मम्मी को देखते कि उन्होंने ये किया तो इस फील्ड में चले जाते। अभी बच्ची स्कूल खत्म करके कॉलेज में एडमिशन पे जाती है, कॉलेज में अपने आप को बचा के रखना है, अपने सपनों को बचा के रखना है, अपने पूरे के पूरे चीजों को बचाते हुए अपने आप को निखारना भी है, तो बहुत सारी लिमिटेशंस इन बच्चियों के साथ होता है। ऐसे में अगर इनको एनर्जी मिल जाए, ऐसे में अगर इनके अंदर एक पावर जनरेटर आ जाए, इनको अगर मार्गदर्शन मिल जाए, इनको अगर सही तरीके से डायरेक्शन मिल जाए ना, तो ये क्या नहीं कर सकते, इनकी एनर्जी की खासियत। अच्छा, मैं जब भी सेशन लेता हूँ बच्चियों के साथ, तो अभी पहला सेशन है, पर जब मैं महिलाओं में सेशन लेता हूँ तो मैं एक वर्ड से शुरू करता हूँ, ये आप ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूँ सभी माताओं बहनों को, शक्ति स्वरूप माताओं बहनों को मेरा प्रणाम, शक्ति स्वरूप माताओं बहनों को मेरा प्रणाम, ये मेरे वर्ड होते हैं। शक्ति स्वरूप का मतलब ये है, शक्ति स्वरूप का मतलब ये है कि श्री राम जब रावण का वध करने गए तो उन्होंने सबसे पहले उपासना किनकी करी, हर देव सबसे ज्यादा उपासना किनकी करते, शक्ति स्वरूप। तो साक्षात मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, मेरी माताएं शक्ति स्वरूप हैं। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, बीच में सर में नॉइस आया तो मुझे लगा आवाज नहीं आ रही है, ठीक। तो अब इन शक्ति स्वरूप, अब मेरी बहनों की स्थिति क्या हो गई है, वो शक्ति स्वरूप तो है, सभी बहनें शक्ति स्वरूप है, पर उनकी स्थिति थोड़ी सी हनुमान जी जैसी हो गई,
हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़ के याद दिलाना पड़ता है उनकी क्वालिटीज ऑफ पावर क्या, वैसे ही मैं आज अपनी बहनों को उनकी क्वालिटीज ऑफ पावर उनको याद दिलाने का। ठीक, तो अगर अगर वीडियो ऑन हो जाए कुछ लोगों का तो काफी अच्छा रहेगा, मैं भी इंटरेक्ट कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा है आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो ये जो आप वापस टॉपिक पे आते हैं, ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात किया, कैरेक्टर होता क्या है, पर्सनालिटी होता क्या है, पर्सनालिटी की बात करेंगे फिर कैरेक्टर पे जाएंगे, क्योंकि पर्सनालिटी थोड़ा सा क्वांटिटेटिव टर्म है, इसको अच्छे से मेजर किया जा सकता है, और कैरेक्टर थोड़ा सा क्वालिटेटिव टर्म्स है, ये गुणवत्ता बेस्ड टर्म है, तो इसको थोड़ा सा मेजर करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो हम पहले क्वांटिटेटिव टर्मों को सॉल्व करने की बात करें। पर्सनालिटी, ठीक, भगवान ने मुझे शरीर दिया, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। तो इन चीजों को मुझे भूल जाना चाहिए, मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट ज्यादा है, मैं काफी मोटा हूँ, मैं काफी पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मेरे नाक नक्श बहुत अच्छे, मेरे नाक नक्श एवरेज है, मेरे नाक नक्श अच्छे नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये मुझे ऊपर वाले ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मेरे पास जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, मेरे पर्सनालिटी के, मेरे कैरेक्टर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उन चीजों को मैं कैसे निखारूं, उन चीजों के साथ मैं कॉन्फिडेंट कैसे दूं। एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये कुछ हद तक ये कहावत सही है, पर मैं इसको चैलेंज करता हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन। आप क्या हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास कंटेंट क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि दिखने में इंप्रेसिव नहीं है, पर वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए। बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो दिखने में अच्छे नहीं है, जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं है, पर उनके कीर्तिमान जो है उसको जग ने एक्सेप्ट किया है। तो एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। तो मतलब ये है कि भाई अपने फिजिकल अपीयरेंस पे सबसे पहले तो घमंड करना शुरू कर दो। आप जैसे हो बेस्ट, आपको भगवान ने जो दिया है बेस्ट दिया, अब इसको सही तरीके से हमको प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे करें, उसका एक तरीका होता है, अपने आप को सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना या रिप्रेजेंट करना, कॉन्फिडेंस आंखों में दिखाई देना चाहिए, वर्ड्स जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स है, जो बोलने का तरीका, उसके अंदर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज पर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। बॉलीवुड में जाएंगे तो देखेंगे ऐसे ऐसे एवरेज दिखने वाले हीरो हीरोइन हैं जो कि ऑस्कर प्राइज लेकर जाते हैं। आप हॉलीवुड की बात करिए, बॉलीवुड की बात करिए, सच्चाई है, पॉलिटिशियंस की बात करिए, बिजनेसमैन की बात करिए, आप टेक्नोक्रेट्स की बात करिए, आप डिप्लोमेट्स की बात करिए, आप आईएएस अधिकारियों की बात करिए, पुलिस वालों की बात करिए, ये इनकी ये किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर मैटर करता है। आपके कंटेंट पे दम होना चाहिए। परम आदरणीय लता मंगेशकर जी कैसी दिखती थी, एकदम एवरेज, पर ऐसा कोई आदमी मुझे बता दो जो उनका रेस्पेक्ट ना करता हो। उनकी आवाज जब कान में जाती है तो आंख बंद करके उस आवाज को आदमी फील करने लगता है। तो मतलब लुक्स की वैल्यू नहीं, आपके अंदर कंटेंट की वैल्यू है। तो सबसे पहली चीज ये होती है, पर्सनालिटी में जो प्रोफेशनल सेशंस होते हैं उसके अंदर आपको अच्छे कपड़ा पहनना सिखाएंगे, अच्छे से उठना बैठना सिखाएंगे, बिल्कुल ठीक है, सीखो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन के लिए जरूरी है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज नेटवर्क चला गया था, आवाज आ रही है, थम्स अप दिखाइए प्लीज, हाँ दैट्स गुड। तो हम बात कर रहे थे कैरेक्टर की, पर्सनालिटी की। तो जो पर्सनालिटी है, अभी मैंने आपसे बात करी लता मंगेशकर जी की, लता मंगेशकर जी दिखने में एवरेज रही हैं, पर उनकी जो क्वालिटी, उनकी जो वॉइस है, उनके अंदर जो मां सरस्वती का जो वास है, ठीक है,
उसके कारण उनकी कितनी इज्जत होती है, मुझे आप ये साफ साफ बता दो। अगर वो तो खैर वो तो स्वर्गवास हो गया उनका, अगर वो आपके सामने खड़ी होती तो क्या उनके पैर छूने की इच्छा नहीं होती? तो किस चीज का उस पर्सनालिटी पे डोमिनेंस है? कंटेंट का। ठीक है, कंटेंट हमको डेवलप करना है। अब ये डेवलप कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है मोटिवेशन की बात करें, कैरेक्टर की बात करें, पर्सनालिटी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में ऑब्जेक्टिव का होना। मैं बहुत सारे बच्चों के साथ बैठता हूं और उनसे बात करता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, 25-25 साल की उम्र तक के बच्चों के लाइफ में कोई करियर ऑब्जेक्टिव, कोई सोशल ऑब्जेक्टिव, कोई फैमिली ऑब्जेक्टिव नहीं होता। वो आज प्रेजेंट में, जैसा कि प्रिंसिपल मैडम बता रही थी ना, प्रेजेंट में जी रहे हैं, वो पाश्चात्य कल्चर में डोमिनेंस में जी रहे हैं, वो अपने धर्म को, अपने भारतवर्ष के धर्म को, सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल मैडम ने सही चीज बताई थी। तो सबसे पहली चीज मैं एमबीए में पढ़ाता हूँ बच्चों से, पूछता हूँ बेटा ऑब्जेक्टिव क्या लाइफ में? सर एक अच्छी नौकरी पाना, ये कोई ऑब्जेक्टिव हुआ? माइक चालू है, कहीं से नॉइस हो रहा है, प्लीज बंद करिएगा। किन्हीं का माइक चालू है? आई थिंक प्रिया शर्मा जी का माइक चालू है, प्लीज बंद करिए। माइक बंद करिएगा। हाँ ठीक, प्रिया जी माइक बंद करिए, आगे बढ़ते हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि अपना माइक बंद रखें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कभी भी हम मोटिवेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं पर्सनालिटी की, कैरेक्टर, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ को समझने के लिए पर्पस ऑफ लाइफ क्या है समझिए। पर्पस ऑफ लाइफ, मैं पैदा हुआ तो उसके पीछे मेरे जो ईश्वर है, मैं किसी भी धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे जो ईश्वर है वो एक पर्पस के साथ मुझे भेजते हैं इस रंगमंच में। तो वो पर्पस क्या है? क्या वो पर्पस एक नौकरी पाना है, जीवन अर्जन, ब्रेड बटर पे बात करना है? क्या वो पर्पस परिवार बनाना है, परिवार बढ़ाना है? पर्पस क्या है? मैं जिस दिन अपने इस देह को त्यागू, उस दिन वो काउंट किया जाए कि मैंने समाज के लिए क्या किया, मैंने क्या काम किया है, मेरे अचीवमेंट्स क्या है। मैं रायपुर शहर को बिलोंग करता हूँ, रायपुर शहर में एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल सी एक महिला थी, स्वर्गवास हो गया उनका, मिनी माता। अब ये जो महिला थी, ये दलित समाज से आती थी और इन्होंने समाज के लिए इतना काम किया, इतना काम किया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इनको लोगों ने, छत्तीसगढ़ वालों ने इनको माँ की उपाधि दी। बहुत छोटा सा उनका व्यवसाय था, उस व्यवसाय से उन्होंने पैसा कमाया, पूरा अपने जाते समय उन्होंने पैसा दान कर दिया समाज के डेवलपमेंट के लिए, उत्थान के लिए। और आज हमारा राज्य उनको मिनी माता कहता है। हाँ जी, आवाज आ रही है जी सर? वो माइक चालू है, डिस्टर्बेंस हो रहा है इधर पे। आंचल जी का माइक चालू, प्लीज बंद करिएगा। पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि वो अपना माइक म्यूट कर ले। ठीक है, तो अब एक छोटी सी महिला जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है, इन्होंने अपने लाइफ के अंदर एक सोशल अचीवमेंट किया जिससे हमारा राज्य छत्तीसगढ़ उनको माता का दर्जा दे दिया। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव, प्लीज माइक बंद करिएगा, काफी नॉइस आ रहा है। आपके लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव, आपके लाइफ में एक पर्पस है ना, तो आपके पास कोई चीज की कमी उस पर्पस को अचीव करने से रोक नहीं सकती। एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, मुझे लाइफ में ये करना है।
कैसे होगा? तो इसके लिए सबसे पहली चीज है आप समय निकालकर अपने आप से बात करना शुरू करें, मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है। गरीब से गरीब आदमी खरबपति बन सकता है। बहुत से अपने एग्जाम्पल सुने, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बताता हूं। पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाला आदमी अपने दोस्त से कह रहा था, जो दूसरा पेट्रोल दूसरी गाड़ी पर पेट्रोल भर रहा था, उससे कह रहा था कि देखना एक दिन मेरा तेल का कुआं होगा। पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाला कह रहा था तेल का कुआं होगा, वो आदमी था धीरू भाई अंबानी। और वाकई उसका जामनगर रिफाइनरी पेट्रोल का कुआं है। शहनाज हुसैन को कौन नहीं जानता, 16 साल में उनकी एक बेटी हो गई थी, फाइनेंशियल कंडीशन में बिलो पॉवर्टी लाइन वाली स्थिति में उनकी लाइफ थी। और आज शहनाज हुसैन के नाम को किसी की मोहताज, किसी को मतलब बताना नहीं पड़ता कि शहनाज हुसैन। हमारी जो आदरणीय परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया है, उनकी बायोग्राफी आप एक बार देखो, कितना संघर्ष उन्होंने किया और आज कहां बैठी है, भारत के शीर्ष जगह पर बैठी है। संघर्ष कहां से शुरू किया, अब आप देखना उनसे कई गुना ऊपर की स्थिति में आप बैठे हो। बायोग्राफी से YouTube भरा पड़ा है, कैसे एक गरीब महिला, कैसे एक प्रताड़ित महिला संघर्ष करते हुए टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंची। मैं एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूं, फिर मोटिवेशन बढ़िया मोटिवेशन हो जाएगा। और ये एकदम लाइव कहानी है, मैंने बुक में पढ़ ली थी। ठीक, कहानी ऐसी है, पंजाब में क्रेज होता है कि अपने बच्चों की शादी करके फॉरेन भेजे। तो पंजाब के एक गाँव में एक सरदार जी ने अपनी बेटी की शादी लगाई और बेटा जो था वो सिंगापुर, मतलब जो दमान था वो सिंगापुर में रहता था। धूमधाम से, गरीब सरदार फैमिली थी, तो गरीब फैमिली थी, उन्होंने लोन लेकर बहुत जतन से अपनी प्यारी बच्ची की शादी करी कि उसका भविष्य बन जाएगा, सिंगापुर में जाके रहेगी। कहानी शुरू होती है यहाँ से, शादी होती है, बच्ची जाती है सिंगापुर, बहुत सारे सपने लेके जाती है, विदाई होती है, थोड़ी दुखी होती है, फिर सपने लेके जाती है, सिंगापुर जाऊंगी, वहां पर अपना घर बसाऊंगी, मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है लाइफ में, बहुत कुछ उन्होंने मेरे लिए स्ट्रगल किया है, मैं उनको वापस से रिटर्न करूंगी, बहुत खुश। सिंगापुर लैंड करते साथ उसके ऊपर दुख का पहाड़ भी टूट जाता है। लैंड करते घर जाते तो उसके जो पति देव है वो बताते हैं, मेरी ऑलरेडी सिंगापुर में पहले से शादी हो गई, वहीं के लोकल लड़की से शादी हो गई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम दोनों को साथ रखूंगा, पर ये चीजें बताना मत और मेरे साथ रहना। सोचो एक बच्ची जो प्लेन में बैठी पहली बार, कितने सपने देखी जब उतरी, तो वो सपने कैसे टूटते हैं और उसके मन में क्या बीतती होगी, आप सिर्फ सोचो, कल्पना करो। अभी बच्ची क्या करती, पढ़ी लिखी नहीं थी, ना के बराबर 12वीं पढ़ी होगी ज्यादा से ज्यादा। उसके पास ऑप्शन क्या थे, उसके पास पहला ऑप्शन ये था कि पिताजी को फोन करती, बोलती पिताजी ऐसी ऐसी बात है, मैं वो वापस ले जाऊँ। पर उसने पिताजी को फोन नहीं किया क्योंकि जानती है पिताजी को फोन करेंगे तो वो शॉक में आ जाएंगे, सब कुछ तो निरछावर कर दिया, शादी में सब कुछ खड़े कर दिया और समाज में भी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, तो पिताजी को तो कॉल नहीं करो। दूसरा ऑप्शन बचता है सरेंडर करे, अपने पति के साथ रहे, क्योंकि तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन वो बच्ची खुददार थी, बोली इस आदमी के साथ तो मैं रहूंगी नहीं जिसने अभी ऐसा धोखा दिया। जी ने एक पर्ची में एक नंबर लिख के दिया, मेरे दूर का दोस्त है बेटा, अगर कोई जरूरत पड़े आप इमरजेंसी में उसको फोन कर लेना, सिंगापुर में ही रहता है। तो वो बच्ची बोली मैं घर में रहूंगी नहीं, वो गई एसटीपी बूथ से, उसने फोन किया अपने, बोला अंकल जी ऐसी ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं बेटा मैं लेने आ रहा हूँ। तो वो बंदा और उसकी वाइफ उसको लेने आए, लेकर अपने घर गए। बच्ची खुददार थी, बोली मैं ऐसे तो रहूंगी नहीं पर मैं वापस जाऊंगी, मुझे छोटा मोटा काम था, तो आपके घर में झाड़ू पोछा कर लूंगी, बेबी सिटिंग का काम कर लूंगी, खाना बना। वो भी बोले ठीक है, हमको हेल्प करो, कोई दिक्कत नहीं, और बड़े अच्छे लोग थे। तो इसको अच्छे से रखा इन्होंने, इस बच्ची ने भी अच्छे से काम किया। एक दिन ये जो बंदा था, माइक बंद करिएगा प्लीज, ये बंदा सिंगापुर एयरलाइंस के अंदर काम करता था, अच्छे पोस्ट में था, इंडियन था। तो इसके घर में आए दिन पार्टीज ये थ्रो करता रहता था। एक दिन इसने पार्टी रखा तो उस बच्ची ने बोला कि चलो खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी, बहुत प्यारा खाना बनाती थी, उसने खाना बनाया, इसके यहाँ गेस्ट सब खुश होगा, बहुत खुश होगा। फिर जब गेस्ट खुश हो गए तो इस बच्ची के बारे में बात किया, तो उस बंदे ने इस बच्ची की स्टोरी बताई। एक गेस्ट ने कहा कि मेरे पास एक अच्छा ऑफर है, क्यों ना तुम सिंगापुर एयरलाइंस के एक स्पेसिफिक कैंटीन के लिए खाना बनाने का काम शुरू करो। इन्होंने अप्रूव किया, वो बच्ची बनाने लगी खाना।
खाने की क्वालिटी गजब थी और आज की तारीख में सिंगापुर एयरलाइंस का पूरा कैटरिंग बहुत अच्छी संभाल रही है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? गाँव से। गरीब परिवार की 12वीं पास लड़की से कहानी शुरू होती है। धोखा मिलता है, धोखा मिलने के बाद भी क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा थी, हार नहीं मानी, जीरो से स्टार्ट किया, सरेंडर नहीं किया और आज की तारीख में अपने माँ बाप को सिंगापुर के अंदर वो ससम्मान रखी हुई है। ऐसा बुरा वक्त किसी बच्ची के साथ ना आए, मैं भगवान से कहता हूं, लेकिन ऐसा दम हर बच्ची में होना चाहिए, ऐसी आग हर बच्ची में होना चाहिए, खुददारी हर बच्ची में होना चाहिए, जब तो लाइफ का मजा आता है। हर बच्ची को यह राइट है कि वह अपने आप को प्रूव कर सके, उसके अंदर गजब की एनर्जी है, क्यों सरेंडर करना, क्यों कंप्रोमाइज करना? मुझे आप सिर्फ ये बता दो, आप यहां पर ना यस या नो लिख के आप टाइप करना, अभी मैं आपको एक बढ़िया सा वर्क दे रहा हूं, क्या आप अपने लाइफ में कंप्रोमाइज करना चाहते हैं कि माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते? सिर्फ लिखिए, कंप्रोमाइज करना चाहते तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिख के डालिए, मैं देखता हूं। टाइप करिएगा, आप अपने लाइफ में कंप्रोमाइज करके जीवन ऐसी जीना चाहते हैं कि कुछ अचीव करना चाहते हैं? टाइप करिए, टाइप करिए, अरे आप, और ज्यादा अच्छा होगा माइक ऑन करके बोलिए, माइक ऑन करिए, बोलिए। नहीं सर, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। दैट्स ग्रेट, पर एक ने यस लिखा था, अभी कॉम्प्रोमाइज करना चाहते, गलती से लिख दिया था क्या? नो, ठीक है, तो आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते पर आपके अंदर दम है और उस दम से काम करना चाहते, तो थोड़ा सा डायरेक्शन चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ड्रीम का होना लाइफ में, बहुत जरूरी, क्योंकि ड्रीम एक ऐसी चीज है। हाँ जी, क्या बोले? थोड़ा तेज बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बोलिए सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर, मैं ये बोल रही हूँ, मतलब जैसे आप बताएं कि जो लड़की थी उसके साथ ऐसे हुआ, वो मतलब वो जो अपने जो अंकल के पास गई थी, तो उससे जो फैमिली थे, तो उसके पेरेंट्स से फैमिली के मतलब पापा जो बताने चाहती थी, तो उसके अंकल तो मतलब बताए होंगे ना, पता तो चल गया होगा ना कि मतलब ऐसे हुआ। देखो बेटा, ऐसा है ना, कई बार क्या होता है, आदमी ना इमीडिएट इमोशंस के डोमिनेंस में आ जाता है, तो बच्ची ने उनसे कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और कुछ करके उनको बताना चाहती हूँ, तो उन्होंने सपोर्ट किया, डेफिनेटली वो चाहते। तो देखो कई बार आदमी जब खराब होता है ना, तो एहसान जता रहे करके वो तुरंत बताता, वो नीचा दिखाना चाह रहा है करके तुरंत बताता, पर ये आदमी वैसा नहीं था। उस बच्ची को एक आदमी खराब मिला तो दूसरा परिवार तो अच्छा मिल गया ना, आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट, हर जगह आदमी खराब नहीं होते। यस सर, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ड्रीम का होना जरूरी है, ड्रीम का मतलब होता है सपनों का होना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ जिस बच्ची ने भी जो सपना देखा है, प्लीज माइक ऑफ करेंगे, माइक ऑफ करेंगे प्लीज, नॉइस आ रहा है। निधि, हम तो ज्वाइन भी हो गए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ड्रीम का होना बहुत जरूरी है लाइफ में। ड्रीम क्या होता है, आपने जो बचपन में ड्रीम देखा था ना, जो सपना देखा था, ये मान के चलो उसमें आपका अधिकार है, किसी की औकात नहीं कि आपको आपके सपने से दूर कर सके। और आप अगर अपने सपने को छोड़ दोगे, मतलब आपके लाइफ का कोई पर्पस नहीं। मैंने कहा ना, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे हो, आपके अंदर कितनी ताकत है, इमटेरियल है। दम होना चाहिए आपके सपने में, वो आपको जिंदा रखेगा, आपसे काम कराएगा। आपके साथ बहुत सारी लिमिटेशन है, मैं मानता हूं कि रात में ज्यादा देर तक आप काम नहीं कर सकते, शाम को 6 बजे आपको किसी भी हालत में घर पहुंच जाना है, घर में भी कंप्रोमाइजिंग स्टेटस में रहना है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर, आपने अपने उद्बोधन में समस्त छात्राओं को मैं देखने के लिए कहा, साथ ही ये बताया कि हम अपने समाज को क्या दे सकते हैं, हम अपने समाज के लिए क्या
कर सकते हैं और इस हेतु हमें दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। हमें आपने बताया कि समय हम आत्मचिंतन में विषम परिस्थितियों का सामना करके हम सफलता अर्जित करें। हम अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं और हम अपने विचारों को कम्युनिकेट करें, साथ ही हमारे निर्णय लेने की क्षमता अभूतपूर्व विकसित करने की कोशिश करें। इन समस्त प्रक्रियाओं के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व विकास की और बढ़ सकेंगे, अच्छी तरह से विकसित कर सकेंगे और समाज के लिए एक आदर्श नागरिक बनने का प्रयास कर सकेंगे। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हम सभी पार्टिसिपेंट्स को एक प्रेरक उद्बोधन देने का कष्ट किया। धन्यवाद सर, और भविष्य में भी आप इस तरह हमसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़कर हमारी छात्राओं को प्रेरित करने का कार्य करने में मदद करेंगे। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें और अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए हमारे राष्ट्र को उन्नत दिशा में बढ़ाने में संकल्पित रहें। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद सर। हमारे अगले डॉक्टर कमांडर भूषण दीवान जी जुड़ चुके हैं। आप के नेशनल एग्जीक्यूटिव सचिव